पेंटीएम पॉइंट कॉलेज की मान्यता रद्द करने एनएसयूआई ने कुलपति के नाम सौंपा ज्ञापन। पेंटीएम पॉइंट कॉलेज प्रशासन के द्वारा छात्रों के हस्ताक्षरित ब्लैंक चेक शपथ पत्र लेने के साथ मामला तुर पकड़ता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा अनावश्यक दबाव बनाकर मनचाही फीस वसूलने व कोरे चेक के साथ शपथ पत्र लिया जाता है। इस तरह से पेंटीएम पॉइंट कॉलेज अपने छात्रों को ब्लैंक चेक एवं शपथ पत्र के माध्यम से बंधक बनाकर रखता है, क्योंकि यदि छात्र मनचाहा पैसा नहीं देते तो उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज प्रशासन अपने पास गिरवी रख लेता है। एनएसयूआई का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन के इस कृत्य के कारण छात्रों का भविष्य अंधकारमय है और वह बिना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के कहीं भी शिक्षा नहीं ले सकते। छात्रों की आवाज़ को लेकर आज एनएसयूआई ने पेंटीएम पॉइंट कॉलेज की मान्यता रद्द करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र नेता मंजूर त्रिपाठी, छात्र संघ के पदाधिकारी सहित योगिता सिंह बघेल उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी सहित जानकारी के अंश। जरूरत पड़ेगी हम सभी छात्र यहां पर पेंटीएम पॉइंट कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए कुलपति जी को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि वहां पर शिक्षा की आड़ में एक दलाली का अड्डा चलाया जा रहा है, जिसकी हमारी ये मांग है कुलपति जी से कि उसको बंद किया जाए एवं वहाँ की मान्यता रद्द की जाए, और जो भी निजी महाविद्यालय इस तरह के हैं उन सभी की मान्यता रद्द की जाए, अन्यथा सबके खिलाफ एनएसयूआई जंग लड़ेगी। किस तरीके की शिकायत? शिकायत यह है कि वहाँ के छात्रों को ब्लैकमेल किया जाता है, वहाँ के छात्रों से एडवांस में ब्लैंक चेक लिया जाता है, स्टाम्प पे लिखाया जाता है कि ये चेक अगर बाउंस होगा तो हमारी गलती होगी, और जब वो पूरी पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद मार्कशीट और टीसी देने में ये आनाकानी करते हैं और दबाव बनाते हैं कि आप फीस जमा करो। 28,000 रुपये की डिमांड है पेंटीएम पॉइंट कॉलेज द्वारा जो इन छात्रों से की गई है, और ये छात्र स्कॉलरशिप के बेस में पढ़ाई करते हैं तो फिर फीस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए हम आज कुलपति जी के पास आए कि ऐसे महाविद्यालय की मान्यता रद्द की जाए। शुल्क बाद में उन्होंने भरा होगा, हमारे पास एक वीडियो था, मीडिया को हमने वीडियो दिया है, उसमें ब्लैंक चेक का भी जिक्र खुद संचालक ने किया है। लेकिन अगर कहीं भी, एक तो शिक्षा के जगत में ये नहीं कि आप ब्लैंक चेक लें, ब्लैंक चेक लेते हैं तो आप उसमें पहले राशि भरिए छात्र के सामने, फिर आप एक लिखित दीजिए कि मैंने इतनी छात्र से राशि भरवा कर चेक लिया है, लेकिन ऐसा कॉलेज की तरफ से छात्र को कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया जाता। राशि इसलिए भी नहीं भरवाई जाती क्योंकि शासन द्वारा कभी कभार जो छात्रवृत्ति आती है वो कभी कभार ऊपर नीचे भी हो जाती है। ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन छात्र के ऊपर ये जब पूरी छात्रवृत्ति जमा करने के बाद ये दबाव बनाया जा रहा है कि अब आप 28,000 रुपये लाओ, ये कहाँ का नियम है? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जैसे टीसी है और ये मार्कशीट है 6th सेम की, ये नहीं दे रहे हैं। 19 तारीख लास्ट डेट है, बच्चे अदर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, इनका प्रवेश वहाँ से निरस्त हो रहा है। यदि मांगे पूरी नहीं होती हैं तो महाविद्यालय में एनएसयूआई तालाबंदी करेगी और सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन एवं प्रशासन की होगी। आज किसके नाम ज्ञापन दिया? आज हमने कुलपति जी के नाम ज्ञापन दिया है, क्योंकि ये कॉलेज कुलपति APS यूनिवर्सिटी से जुड़ा है और यहाँ से इसकी मान्यता खत्म करने की हमने मांग की है।